रसमलाई नहीं रबड़ी, तो रबड़ी लपेटते हैं। सो गाइस अपनी चाय तैयार हो गई है। तुम ये तुम्हारा हेयर स्टाइल काफी अच्छा लग रहा है। तो की तो अपनी मेडिसिन रेगुलर कर रही है और लिलिया यहाँ पे पीछे, लिलिया मैं जा रहा हूँ। हे फैमिली, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जसवाल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करते हैं आप सब लोग का अमित एंड किट्टू जसवाल यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। फिर से गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है और रात का आप लोगों ने ब्लॉग देखा, किट्टू ने अप्पम बनाए थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। अभी थोड़ा सा माल उसका रखा हुआ है, तो जब वो फ्री होगी तो फिर जरूर बनाएगी। ताहे चलते हैं, किट्टू से भी गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग किट्टू जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तबीयत में सुधार नहीं हो रही है, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे। डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा रेस्ट करिए। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, नहा धो के एकदम तैयार हो गया हूँ। बस तब चाय बन गया है, गर्म करना है। कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल। सो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, मिलते हैं कुछ देर के बाद। अग्रवाल स्वीट का लाया हुआ रसमलाई नहीं रबड़ी, तो रबड़ी लपेटते हैं। रबड़ी का तो अपना अलग मजा है। पहले जब मैं इलाहाबाद में रहते पढ़ता था ना, रबड़ी डेली खाने जाता था। तो रबड़ी एक स्पून धुल लेते हैं, बर्तन अभी धुलने के लिए रखा हुआ है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो भी बहुत जरूरी काम है, कचरा सारा फेंकते हैं। एक डब्बा भर के कचरा है, ये भी ठिकाने लगा देते हैं। सो गाइस अपनी चाय तैयार हो गई है। तो चाय पियोगी? ये पियेगी। तो मैं चाय पी ले रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे ऑफिस भी जाना है, तो थोड़ा सा पेट में कुछ नाश्ता डालना ही पड़ता है। मुझे गर्मी लग रही है, किट्टू को ठंडी लग रही है। देखो फैन भी बंद करवा दिया इसने, पता नहीं क्या चल रहा है घर में। हाँ, इसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा। जब थोड़ा बहुत सुधार होता है तो हम इसको मन बहलाने की कोशिश करते हैं कि किट्टू खुश रहे, स्माइल करती रहे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। चलो गेट वेल सून किट्टू, तब तक हम लोग चाय फिनिश करते हैं। लिलिया भी आ गया है, गुड मॉर्निंग कहने। गुड मॉर्निंग लिलिया। अरे तुम ये अमिताभ बच्चन जी स्टाइल में बाल क्यों झाड़े हो आज? हाँ? बीच से बाल झाड़े हो? हाँ? यहाँ से? हाँ? क्यों झाड़ी? बीच से इधर। गुड मॉर्निंग नहीं किए आज हमसे, सुबह से उठे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग किए थे हमको? ना। क्यों? मेरा बैग खराब हो जाएगा लिलिया। क्यों नहीं होगा लिलिया? ये क्या बात हुई लिलिया? लिलिया का नाम लिलिया कैसे पड़ा पता है आप लोगों को? ये छोटा था और बिल्कुल मेरे को ना लिली, वो मैं लिलीपुट, वो है ना शोरूम, आप लोग जानते होंगे लिलीपुट कपड़े का, वो है एक ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है लिलीपुट, बच्चों के कपड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे को ना वो देख करके बड़ा लिली लिली, और हम लोग के गाँव में किसी का जैसे अमितवा और जैसे नाम रमेशवा ऐसे वा या करके करते हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम लिलिया कर दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और लिलिया बोलने में बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोगों को भी लिलिया नाम बहुत पसंद है ना? मेरे बैग से क्या मिला लिलिया को? कल आया लिलिया, मेरा बैग चेक किया, मौसी से कंप्लेन कर रहा है, मौसी चाचू एप्पल नहीं खाए थे, ऑफिस लेके गए थे एप्पल नहीं खाए थे। मेरा पूरा ख्याल रखता है, मेरा पूरा चेकिंग करता है। इधर आ, बात तो कर ले। बात नहीं करेगा लिलिया? बात नहीं करेगा? तुम ये तुम्हारा हेयर स्टाइल काफी अच्छा लग रहा है, देखें इधर, देखो देखो
अब अच्छे से झाड़ दें क्या? ये वाला कपड़ा तुम्हारा फेवरेट है क्या? हाँ। तुम्हारा क्या फेवरेट नहीं है? तुम मुझे किसी नहीं दी आज, पता है? तभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लिलिया किसी नहीं दिया है, चल दे। अरे एक बार में दो दो किसी। क्या लिखा है लिली? क्या बना हुआ है तुम्हारे इस पे? बबलू डब्लू है क्या ये? बबलू डब्लू ये तीन बबलू डब्लू है। बबलू डब्लू है तीन बबलू डब्लू है। तो लिलिया और मेरी दोस्ती यूं ही चलती रहेगी। लिली मैं ऑफिस जाऊं? जा। अपने पापा को रोकता लेकिन मुझे कभी नहीं रोकता कि चाचू ऑफिस मत जाओ। ऐसा क्यों लिलिया? तो मेरे सब सवालों का जवाब दे। चला बैठ बैठ बोल। तो इधर क्यों देख रहा है? इधर देखना। क्या देख रहा है लिलिया? पता सुबह सुबह नहा लिया, देखा चाचू नहा लिया है तो खुद नहा लिया है। इधर देख, चाचू चाचू का नकल करता है। चाचू जैसे कपड़े पहनेगा वैसा कपड़ा इसको चाहिए। बोल बोली। इधर देख ना, थोड़ा सा बात करना ब्लॉग में, क्योंकि तुम्हारे और मेरे साथ की मस्ती लोगों को बहुत पसंद आती है। लिलिया तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? कौन है फेवरेट हीरो? लिलिया का फेवरेट हीरो कोई नहीं। हीरोइन कोई पसंद है तुमको? नहीं। कोई भी नहीं पसंद है। फेवरेट पापा कौन है? कोई नहीं। फेवरेट पापा कोई नहीं है? नहीं। फेवरेट मम्मी? फेवरेट मम्मी भी कोई नहीं। तब क्या फेवरेट है तुम्हारा? तुम्हारा फेवरेट पापा नहीं है कोई? नहीं। फेवरेट मौसी? नहीं। फेवरेट दीदी? नहीं। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है लिलिया? लिलिया पता कि तो ऐसे बाल झाड़े बीच से। तुम्हें क्या अच्छा लगता है फिर बताओ? ऐसे अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं। ये चाचू का बस बटन तोड़ना और बटन बनाना, ये अच्छा लगता है तुमको है लिलिया? लिली मैं जाऊँ ऑफिस? कभी तो रोक लिया करो। रोकी थी कल? रोकी थी कल? पापा को रोकी थी, हमको नहीं रोकी थी। झूठ बोलता है देखो। कल देखी थी? कल हम तो ऑफिस गए थे। अच्छा, कितना झूठ बोलने लगा है लिली। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे मुझे लग रहा है और ज्यादा क्यूट होता जा रहा है ना लिलिया? तू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे और क्यूट होता जा रहा है क्या? सुन इधर सुन, मैं और तुम मिल करके ना सोनाक्षी दीदी पे रात में प्रैंक करेंगे, ठीक है? जब छोड़ जाएगी? जब छोड़ नहीं जाएगी, जब वो जगती रहेगी प्रैंक बनाएंगे, ठीक है? लिलिया ना प्रैंक बहुत जबरदस्त करता है। लिलिया एक्टिंग प्रैंक में बहुत अच्छा करता है ना लिलिया? जब मौसी के ऊपर प्रैंक किए थे, अच्छा अच्छा किया था ना तू? मौसी को पर कितनी बार प्रैंक किए तुमको पता रहता है सब, तुम लगे तो बताते नहीं हो किसी को ना। एक बार मौसी को ले आके गए थे वहां पे, जो वहां पे जहाँ शेक और चॉकलेट वो आइसक्रीम खाती, मौसी जब बैठ के रोने लगी थी, कपड़ा तरवा करवा के लेके गई थी। तो इसको समझ में नहीं आया। आ जाइए इधर। तो दोस्तों मेरी मस्ती मजाक लिलिया के साथ चलती रहती है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिलिया ना ब्लॉग की जान है, तो जान को आना बहुत जरूरी होता है ब्लॉग में। लिलिया कहाँ जा रहा है? यार चले दोस्तों, मिलता हूँ कुछ देर के बाद। तो कितो अपनी मेडिसिन रेगुलर कर रही है, और लिलिया यहाँ पे बिजी। लिलिया मैं जा रहा हूँ, बाय लिलिया, बाय। किसी किसी जल्दी कर, उसको बंद कर दी। बाय किट्टो, जा रहे हैं?
शाम को मुलाकात होगी, बाय। बैग में बना लिया था। सो गाइस चले चलते हैं ऑफिस। सो गाइस निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मेट्रो, और मालवीय नगर मेट्रो से मैं मेट्रो लेता हूं, और यहीं से मैं जाता हूं राजीव चौक। सो गाइस मेट्रो में बैठ चुका हूं, और मेट्रो हमारी रूट की पूरी खाली कर दी गई, हमारी सीट पूरी खाली है। तो आज आप लोग को ऊपर से दिखा देता हूँ कनॉट प्लेस, इतना बढ़िया लगता है ना नज़ारा, धूप भी बहुत है। तो चलते हैं कुछ काम वाम करते हैं। तो आप सब लोग भी इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, इस ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। शाम को मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ, बाय बाय।